तो स्वागत है आज आप लोगों का इस छोटे से वीडियो पे। और आज है जन्माष्टमी, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज का दिन भी अच्छा है, गुरुवार है और जन्माष्टमी काफ़ी अच्छे दिन पे पड़ा हुआ है। यहाँ तो कोई उत्सव होता नहीं है, कोई जन्माष्टमी वगैरह कुछ नहीं होता है। हमारे साइड काफ़ी अच्छा होता है और मैं इस चीज़ को काफ़ी मिस करती हूँ। बहुत अच्छा हमारे साइड जो भी फेस्टिवल होते हैं बहुत अच्छे से मनाते हैं, पर यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट में, आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का मार्केट कैसा है, आप लोगों को दिखाऊंगी। आज की वीडियो पे मेरे बने रहो, चलते हैं मार्केट, देखते हैं आज क्या क्या लेते हैं। ये मुझे लेना था, मामा का है फेस पाउडर, इसको एक बार खोल कर दिखाओ कैसा है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, यहाँ पे जो भी चाहिए ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। छोटा सा शॉप है बट मिल जाता है। और एक बेबी के लिए, इसके लिए भी दिखा दो, जॉनसन बेबी भी चलेगा, हिमालय भी चलेगा, छोटा दो छोटा। हिमालय के वाला दे दो, बेस्ट है। मैं ज़्यादातर मामा अर्थ का ही चीज़ यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा दूसरा प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करती, खुद के लिए भी और अनाया के लिए भी। क्या चाहिए बताओ, क्या क्या लोगे? चलो अनाया को पूरे चाहिए था।
चीज़ें मुझे मिली ही नहीं। मैं आती हूँ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मुझे जो चीज़ चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं है, तो ऐसा है। आज के ना मास्टर के उत्सव में स्कूल के सारे बच्चे जा रहे हैं, कितने सारे कृष्ण भगवान देखने को मिलेंगे। जन्माष्टमी में ऐसे बनाते हैं, हमारे साथ मटकी वटकी फोड़ के बनाते हैं, यहाँ सारे लोग ऐसे बनाते हैं। ये सब कहाँ जा रहे होंगे भैया? चलो, ये सब कहाँ जा रहे होंगे भैया? ओहो, स्कूल में। तो मैं मार्केट से घर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं। अनायक के लिए चप्पल ख़रीदना था और मेरे लिए भी ख़रीदना था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो मिला ही नहीं। तो क्या बोल सकते हैं, और जो मिला है वो लेकर आई हूँ, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मुझे लेना था ये कि मामा अर्थ का है कॉम्पैक्ट, तो मैं मामा अर्थ का ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये कॉम्पैक्ट मामा अर्थ का बहुत ही अच्छा है, और इसमें आपको सारे सेट मिल जाएंगे, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छा है और इसके सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। और मेरी अनाया के लिए लेना था पाउडर, तो मैं मामा अर्थ का ही ली हूँ, क्योंकि अनाया जब से हुई है तो मैं ऑलमोस्ट उसकी सारी चीज़ मामा अर्थ का ही यूज़ करती हूँ। इसकी कॉस्ट भले थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट इसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसका बॉडी उपटन, इसका स्क्रब, फेस वॉश, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं जब से अनाया हुई है तब से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मामा अर्थ का मुझे स्क्रब लेना था तो वो मिला नहीं, तो ये मैं लोटस का ली हूँ। लोटस भी काफ़ी अच्छा है, और इसके सारे फेशियल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, तो इसकी क्रीम वगैरह भी जो भी आती है बहुत ही अच्छा है। बट मैं मामा अर्थ का यूज़ करती हूँ, नहीं मिला तब मैं ये ली हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी बट ले नहीं पाई हूँ। और मैं ली हूँ मेरी बेटी के लिए सुंदर सा रबड़, ये बहुत क्यूट सा लग रहा था तो मैंने ये लिया। और मुझे लेना था डेली उसके लिए पायल, तो ये मैंने पायल लिया है। और बस इतना ही ली हूँ, ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी तो नहीं ले पाई हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मेरी इमोशनल है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे कि आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से मनाते हैं। मंदिर जाके देखो तो कितना अच्छा लगता है यहाँ, तो मैंने आज तक का मंदिर ही नहीं देखा, कृष्ण भगवान के मंदिर कहाँ है कि चलो जाए थोड़ा घूम कर आए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल अच्छी तरीके से मनाते नहीं हैं, और कुछ भी मैंने देखा नहीं है कोई भी फेस्टिवल। जैसे हमारे साइड करवा चौथ होता है तो लोग यहाँ पूछते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, तो लोग यहाँ जानते ही नहीं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो मैं इन सारी चीज़ों को काफ़ी मिस करती हूँ। और अपना गाँव अपना ही होता है, भले हमारा शहर छोटा है बट वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, और आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी, और घूमने की भी बहुत अच्छी अच्छी जगह, लोकेशन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, तो वो बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और मैं ये सारी चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। अपने फ्रेंड लोगों को काफ़ी मिस करती हूँ जो भी हो, बट अपने फ्रेंड अपना घर अलग ही होता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अकेलापन से कभी कभी फील होता है कि यहाँ पे कोई है नहीं और मैं अकेली हूँ, सारे लोग बुढ़िया हैं, उनसे मैं अपनी क्या फीलिंग शेयर करूँ, उन लोगों को क्या बोलूँ। यार आप लोग मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो कि मैं आप लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, और मेरी फैमिली छोटी सी है उस फैमिली को थोड़ी बड़ी बनाओ कि मैं अपनी सारी शेयर करूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें, जो भी मेरी इमोशनल हो, जो भी खुशी हो, मैं सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मैं जाते जाते एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में किसी चीज़ का भरोसा है नहीं। खुशियाँ थोड़ी थोड़ी मिलती है भले, लेकिन उसको समेट के रखना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट में कभी हम कहीं अलग हो जाते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को काफ़ी मिस करते हैं, जैसे कि मैं अभी बहुत करती हूँ। तो मैं अपना फिलहाल वीडियो यहीं पे एंड करूँ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और मैं अपनी वीडियो को कोशिश करूँ कि डेली डेली लेकर आऊँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।